हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली वेलकम बैक ऑन माय चैनल दैट इज़ स्टाल बाई भूमिका और मैं हूँ आपकी दोस्त भूमिका आज के वीडियो में मैं आपके साथ कोई स्टाइल टिप्स शेयर करने नहीं आई हूँ या आपको कोई फैशन थेरेपी देने नहीं आई हूँ इस बार मैं आपको आपके पैसे कैसे सेव कर सकते हूँ और आप स्मार्ट बायर कैसे बन सकते हो उसके बारे में आपसे बताने आई हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेट स्टार्ट तो सबसे पहले मैं आपको जो बताऊंगी वो आप सुन के शौक तो हो जाओगे बट हैप्पी भी हो जाओगे शायद मुझे सब्सक्राइब भी कर लो फनी <laughs> पार्ट था ये इसे हटाइए और मुद्दे पे आते हैं तो मुद्दा ये है कि आप अपने पैसों को कैसे बचा सकते हो स्मार्ट बायर बन के तो उसमें आपको क्या करना है सपोज अभी जैसे मैं यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट कर रही हूँ आप देखोगे ये सूट अगर इसका हॉल आपने नहीं देखा है तो आई बटन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो तो ये जो लिबास का कुर्ता सेट था इसे मैंने सारी साइट्स पे सर्च किया मतलब अमेजोन फ्लिपकार्ड मिंत्रा आजियो सब पे और पहले मैंने सबसे पहले इसका रेट कंपेयर किया मतलब प्राइस कंपेयर किया कि यहाँ अगर मिंत्रा पे कितने का मिल रहा है आजियो पे कितने का मिल रहा है फ्लिपकार्ट कितने मिल रहा है तो आप मतलब आप सरप्राइज़ हो जाओगे कि अगर आप मिंत्रा पे लेने जा रहे थे जब मैम देख रही थी जब मैंने मिंत्रा पे देखा तो सेम कुर्ता सेट मुझे करीब आई थिंक चौदह सौ शायद और फिर मैं अमेज़ोन पे गई तो अमेज़ोन पे भी कुछ ऐसे ही बारह बारह सौ का मिल रहा था आजियो पे शायद नहीं है, लिबास अभी Uh, और फिर मैं फ़्लिपकार्ट गई और आप बिलीव नहीं करोगे वो मुझे सिर्फ एट नाइन रुपीज़ का मतलब कितना बड़ा फ़र्क आता है अगर आप अलग अलग जगहों पे सर्च करके कोई प्रोडक्ट लेते हो मतलब आप हमेशा कोशिश करो आप इतना तो तो टाइम निकालना पड़ेगा आई नो थोड़ा टाइम टेकन है पर हो बनता है अगर आप पैसे सेव करना चाह रहे हो जैसा कि मैं करती हूँ uh, मुझसे बहुत से लोग पैसे पूछते रहते हैं कि आप आपको ये चीज़ इतने सस्ते में कैसे मिल जाती है उसका सिर्फ़ और सिर्फ यही रीज़न है कि मैं हमेशा उसे हर वेबसाइट पे देखती हूँ कि वहाँ पे कितने का मिल रहा है इस पर कितने का मिल रहा है तो ऐसे ही आप भी कर सकते हो सपोज़ आपको कोई कुर्ता लेना है तो सबसे पहले आप सारे वेबसाइट्स पर उसको चेक करो हो सकता है एक दो पे तो मिले ही ना और अगर जिस पे मिलता है और आपको कम रेट पे मिलता है तो बहुत बढ़िया डील है मेरे हिसाब से और आप भी एग्री करोगे इससे शॉपिंग कर रहे हो जब भी आप ये ध्यान देना कि अगर आपको सपोज आपको कोई चीज़ पसंद आती है आप उसे विश लिस्ट कर लो ठीक है और ये जो डिस्काउंट डिस्काउंट चलता है ना कि मिंत्रा पे सत्तर से अस्सी परसेंट डिस्काउंट अमेजोन पे नब्बे से सत्तर परसेंट डिस्काउंट ब्ला, ब्ला ब्ला जैसा भी है सारी वेबसाइट्स पे तो आप उसे विश लिस्ट करके रखो ठीक है और जब भी आप बाय करने जा रहे हो ठीक है सपोज़ वो मिंत्रा की या फ्लिपकार्ट की या किसकी भी एक डील आ गई ठीक है डिस्काउंट वाली तो आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि आपने अगर मेरी एक और हॉल देखा होगा जिसमें मैंने मिंत्रा से अंग रखा कुर्ता मंगाया था वो मुझे कुछ एक हज़ार रुपये का पड़ा था और मैंने उसको डिस्काउंट में लिया था और जब वो डिस्काउंट ख़त्म हुआ तो वो उसकी प्राइस एड सात सौ रुपये तक ली थी मतलब मुझे इतना दुख हुआ था पर मैंने फिर उसे ले लिया मैंने कहा छोड़ो अब जाने दो ऐसे बहुत सारी बार होता है ठीक है यह है कि जब भी आप कोई भी क्लोथ्स लेते हो या कोई भी कपड़ा ले रहे हो तो हमेशा ऐसा कोशिश करो कि आप सपोज़ एक जीन्स ले रहे हो तो आप उसे ऐसे देख के लो कि आप उसे कितनी तरीके से और पहन सकते हो मतलब तो सिर्फ ये ना हो कि आपने बस एक जीन्स ले लिया उसे आप किसी एक शर्ट के साथ या एक टी शर्ट के साथ पैर कर सकते हो फिर वो ऐसे ही रह जाएगा ठीक है जब आप उस टी शर्ट या उस शर्ट को पहनो या उस कुर्ती को पहनो आप तभी पहन सकते हो अदरवाइज पहन ही नहीं सकते तो स्मार्ट वायर बनने के लिए आप हमेशा ये कोशिश करिए ये भी एक सेव करने मनी सेव करने का तरीक़ा है और मैं सब बहुत करती हूँ कि अगर मैंने सपोज़ एक ब्लैक जीन्स ली है तो आप एक ब्लैक जीन्स अगर आपके पास है तो सोचिए आप उसे कितनी तरीके से और कितनी कितनी कपड़ों के साथ स्टाइल कर सकते हो ये भी एक स्मार्ट बायर होते हैं जो ऐसे परचेज़ करते हैं अपने कपड़े कि कभी भी आप आ, कोई कपड़ा ले रहे हो तो उसे कोशिश करो कि अगर आपको लगता है कि आसपास डिस्काउंट आने वाला है सेल शुरू होने वाली है तो उसे सेल में बाय करो क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था उसमें बहुत रेयर केस होता है मतलब आप हंड्रेड में से पॉइंट ज़ीरो वन परसेंट ले सकते हो कि ऐसा होता है कि आपको वो सेल में महंगा मिल रहा हो और नॉर्मल डेज में सस्ता ठीक है तो हमेशा कोशिश करो कि आप अपने को, उस कपड़े को विश्लेष्ट कर लो थोड़े दिन वेट करो जब सेल आए तब खरीदो ठीक है क्योंकि वो बहुत अच्छी डील मिल जाती है आपको कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आपको बहुत चीप प्राइस पे मिल जाते हैं और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ठीक है मेरे साथ ऐसा ही होता है तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा आपको पसंद भी आया होगा मैंने जो बताने की कोशिश की आप उससे रिलेट कर रहे होंगे कि हाँ यार ये तो हो सकता है तो चलिए आप भी अप्लाई करिएगा अपनी लाइफ में जैसा मैं करती हूँ तो अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए लव लव बाय बाय